नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जो मुकाबला होने वाला है बिंसी प्रीमियम टी10 लीग का पहला मुकाबला LSH और FCS के बीच में, इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों आप वीडियो को पूरी देखिएगा और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए सबसे पहले हम वेन्यू के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्नस वाले स्पोर्ट ग्राउंड कॉपलेंग कॉम्प्लेक्स में मुकाबला होने वाला है, जो कि दोस्तों बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट है। जी हाँ दोस्तों, बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट। कुछ रिकॉर्ड आप यहां पर देख भी सकते हो। आप देख सकते हो ओवरऑल यहां पर यदि बात की जाए एवरेज स्कोर के बारे में तो एक मात्र 98 रन आता है, जो कि 10 ओवर का मुकाबला है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, लेकिन यदि इनिंग वाइज डिवाइड किया जाए तो आप देख सकते हो फर्स्ट इनिंग में 91 और सेकंड इनिंग्स में 83 यहां पर एवरेज स्कोर आता है। 158 यहां पर हाईएस्ट बना है। और दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ पर बता देता हूँ कि आप पेस बॉलर के लिए थोड़ी मदद है, स्पिनर के लिए इतनी मदद नहीं है, और थोड़ी सी बारिश की भी संभावना है। हालांकि खैर उसके बाद हम उसके बारे में हम चर्चा आफ्टर टॉस आपसे टेलीग्राम पर कर लेंगे। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों हालांकि हमेशा सिर्फ टी10 खेलना रिस्की रहता है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन यदि आप फिर भी खेलना चाहे तो बिल्कुल खेल सकते हो। और ECS, जी हाँ दोस्तों, ECS टी10 जो हो रहा है, फैन कोड करा रहा है, उनसे थोड़ा अवॉइड कर चलिएगा, क्योंकि वो इतना ऑथेंटिकेटिंग टूर्नामेंट नहीं है, ये ऑथेंटिकेट टूर्नामेंट है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ से दोनों टीमों की संभावित 11 बैटिंग ऑर्डर के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ब्राउन ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे बॉल और निक के साथ। दोनों ही शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन दोनों को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा नंबर 3 पर डगलस आ जाएंगे और नंबर 3 पर ब्राउन आपके लिए एटिक्स ब्राउन आपके लिए बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। नंबर 4 पर आपके लिए स्टेप टेटोन है। नंबर 5 पर आप देख सकते हो स्ट्रॉ है। नंबर 6 पर लुइस है। नंबर 8 पर आप देख सकते हो रोमारियो है। नंबर 9 पर मैथ्यूज है। और नंबर 10 पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेंसर है। और नंबर 11 पर लेचमैन है। दोस्तों यदि इस बैटिंग ऑर्डर में कोई भी चेंजेस होगा तो आपके लिए मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पर 5-6 नंबर पर तक तो फिक्स है बैटिंग ऑर्डर, लेकिन बाई चांस कोई चेंजेस होता है, टीम कोई चेंजेस करती है, ऊपर नीचे करती है, तो आपके लिए मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगी, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात करें दोस्तों इनके टॉप बैट्समैन और टॉप बॉलर के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट सीजन में इन्होंने खेले थे मुकाबले। सबसे पहले सेवलन ब्राउन के बारे में बात करें तो इन्होंने 10 मुकाबले खेले थे, इनमें इन्होंने दोस्तों 279 रन बनाए थे। 70 इनका हाईएस्ट रहा था, एवरेज भी अच्छा खासा 34 का रहा था। आप याद रखिएगा दोस्तों टी10 के बारे में बात कर रहे हैं, 34 स्कोर काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। उसके अलावा 190 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था। उसके अलावा डिलॉन डगलस के बारे में बात करें, 10 मैच में 203 इन्होंने ही बनाए थे और दोस्तों 33 का इनका एवरेज रहा था। 58 इनका हाईएस्ट था और 188 इन्होंने बनाए थे। दोस्तों आप इन्हें इंपोर्टेंट प्लेयर में नोट करिएगा। उसके अलावा डेरसल मॉलोनी है, आप यहाँ पर देख सकते हो 10 मैच में 125 रन इन्होंने बनाए थे। 160 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था, एवरेज इनका 31 का यहाँ पर रहा था। 31 का क्यों रहा था, क्योंकि दोस्तों कई बार ये नॉट आउट गए थे। जी हाँ दोस्तों, नंबर 4 पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेप टेटोन है। यहाँ पर 10 मैच में 80 रन इन्होंने बनाए थे और 19 का लगभग एवरेज रहा था। आप यहाँ पर देख भी सकते हो हाईएस्ट 19 रहा था, एवरेज इनका 16 का रहा था। और आप यहाँ पर देख सकते हो 137 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो दोस्तों आप ये इंपोर्टेंट 4 बल्लेबाज नोट करिएगा, वीडियो को पूरी ध्यान से देखते चलिएगा तो आपको टीम तैयार करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं टॉप बॉलर्स की ओर से, सबसे पहले नाम आता है ऑथनोल लुइस के बारे में। तो यहाँ इन्होंने 10 मैच में लास्ट सीजन के में 20 विकेट निकाले थे। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 137 रन दिए थे टोटल इन्होंने। जी हाँ दोस्तों 10 मैच की 20 इनिंग्स में 137 रन दिए थे और 9 विकेट इन्होंने निकाले थे। 2 विकेट 6 रन देकर बेस्ट रहा था। और इकोनॉमी भी आप इनकी देख सकते हो। भाई जैवेद हरी के बारे में बात करें तो 10 मैच में 16 ओवर फेंके थे, मतलब पूरे ओवर इन्होंने नहीं किए। 116 रन और 7 विकेट इन्होंने भी निकाले थे। 3 विकेट 6 रन देकर इनका दोस्तों हाईएस्ट रहा था। मैं डेलॉन डगलस के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 मैच में 16 ओवर फेंके थे, 153 रन दिए थे और दोस्तों 4 विकेट इन्होंने निकाले थे। 2 विकेट 15 रन देकर हाईएस्ट रहा था। तो डगलस दोस्तों डेलॉन डगलस को आप नोट करिएगा, क्योंकि बॉलिंग और बल्लेबाजी दोनों ही करने वाले हैं, तो आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर ये हो सकते हैं। इनको आप बिल्कुल नोट करिएगा अपने इंपोर्टेंट प्लेयर्स में। उसके बाद बात करें रोमारियो के बारे में, तो रोमारियो देख सकते हो 6 मैच इन्हें लास्ट के सीजन के खिलाया गया था, इसमें उन्होंने 11 ओवर फेंके थे, 149 और दोस्तों 7 विकेट इन्होंने निकाले थे। याद रखिएगा 6 मैच में 7 विकेट निकालना एक बड़ी बात होती है, स्पेशली टी10 में। जी हाँ दोस्तों, कुल ओवर ही आपके लिए 11 फेंकने मिल रहे हैं, वहाँ पर यदि 7 विकेट निकाल रहे हो तो मतलब गेंदबाजी आप अच्छी कर रहे हो। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर FCS की संभावित 11 बैटिंग ऑर्डर के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर है ना,
इस जो टॉप फोर है इनमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कभी किसी को ओपनर भेज देते हैं, ओपनिंग में भेज देते हैं, तो कभी किसी को ओपनिंग में भेज देते हैं, तो याद रखिएगा। लेकिन ज़्यादातर यही रहने वाला, पोपे आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे पीटर्स के साथ। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर माइल्स हैं आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, विलियम्स नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। पाँच पर दोस्तों लुइस हैं जो कि सामने वाली टीम से आए हैं, तो संभवतः दोस्तों ये आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर दे सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम की दोस्तों आप इनको पता है कि क्या स्पेशलिटी है और क्या दोस्तों यहाँ पर वीक पॉइंट है, तो लुइस आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर दे सकते हैं, तो आप इन्हें अपनी ग्रैंडली की टीम में रख सकते हो। उसके अलावा लाभी आए हैं दोस्तों, अच्छे बॉलर हैं, रे जॉर्डन इंपोर्टेंट प्लेयर में आप इन्हें नोट करिएगा दोस्तों, अभी इनके रिकॉर्ड भी सबके में आपके लिए दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा इस्माइल हैं दोस्तों, उसके अलावा बात की जाए राशिद हैं, ब्राउन हैं और दोस्तों स्टोव हैं आपके लिए, ये कुछ संभावित 11 हो सकती है। यदि इसमें कोई चेंजेस होगा या बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजेस होगा तो आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा, तो प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको टेलीग्राम की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं FSC के बारे में, जो दोस्तों अच्छे इनके टॉप फोर बल्लेबाज के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले पोप का नाम आता है, 9 मैच में 157 रन बनाए दोस्तों और हाईएस्ट इनका 59 रहा है, एवरेज हालांकि 18 रहा है लेकिन स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक रहा है 126 का। उसके अलावा विलियम्स के बारे में बात की जाए, 9 मैच में 74 रन दोस्तों इन्होंने बनाए और 35 इनका हाईएस्ट रहा है, 108 का दोस्तों इनका स्ट्राइक रेट रहा है, 12 का एवरेज रहा है। वहीं लाबिया के बारे में बात की जाए, 9 मैच में 82 रन, हाईएस्ट 23 रन और 128 के इनके एवरेज रहा है। स्टॉप दोस्तों मैं इतने अच्छे बल्लेबाज इन्हें नहीं कहूँगा, आप इन्हें अवॉइड कर चल सकते हो, क्योंकि इनका स्ट्राइक रेट है ना 97 का, हालांकि ये टी टेन में क्या मायने रखेगा जब T20 में ही मायने नहीं रखता तब तो। अब बात करते हैं दोस्तों इनके बॉलिंग सेक्शन के बारे में, तो लाबिया का नाम निकल कर आता है, आप लाबिया देख सकते हो बॉलिंग में भी और बल्लेबाजी में भी, 9 मैच में 14 ओवर में दोस्तों इन्होंने 8 विकेट निकाले, 2 विकेट इनका हाईएस्ट रहा, इकोनॉमी भी इनकी ठीक ठाक रही है। वहीं बात करें दोस्तों जिनके सबसे इंपोर्टेंट बॉलर हैं रे जॉर्डन, आप इनका देख सकते हो 9 मैच में 17 ओवर इन्होंने कुल फेंके, उसमें इन्होंने 119 रन दिए और 7 विकेट इन्होंने निकाले, आप यहां पर देख सकते हो लगभग एक मैच में एक विकेट इन्होंने निकाला है, 7 का इनका दोस्तों जो इकोनॉमी है वो 7 की रही है। उसके अलावा आप देख सकते हो स्टॉप ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया, 9 मैच में 7 विकेट इन्होंने भी निकाली है। उसके अलावा फेडरिक भी आप देख सकते हो 9 मैच में दोस्तों 5 विकेट फेडरिक ने निकाले हैं और 2 विकेट 7 रन देकर इनका हाईएस्ट रहा है, तो आप दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा इनके इंपोर्टेंट प्लेयर, आपके लिए मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया। तो चलिए तैयार कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन के बारे में बात की जाए तो दोस्तों ये, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक काफ़ी इंपोर्टेंट होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले बात करें लेचमैन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करके दिया। उसके अलावा सेवलन ब्राउन आपके लिए इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो यहाँ पर इन्हें मैं अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। दोस्तों यदि आपको रिकॉर्ड देखना है, सभी का बैटिंग ऑर्डर देखना है, तो यदि आप लास्ट में वीडियो स्किप करके आए हो तो आप वहां पर जाकर वीडियो को पूरा देख सकते हो, जिससे आपके लिए सभी के रिकॉर्ड दिख जाएंगे। अब बात करें बल्लेबाजी सेक्शन की, तो यहाँ पर डगलस को मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा, पॉपी हैं और दोस्तों मेलोनी हैं, इन तीनों को अपनी टीम में मैं बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ, और आप देख सकते हो तीनों हाई क्रेडिट के हैं, जिससे मुझे क्रेडिट इशू फेस करना पड़ सकता है। यदि आप क्रेडिट इशू फेस नहीं करना चाहते तो आप माई फेव 11 डाउनलोड कर सकते हो, जी हाँ दोस्तों माई फेव 11 डाउनलोड कर सकते हो, माई फेव 11 की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 कोड डालना है, जैसे ही आप कोड डालोगे हमारी तरफ से आपके लिए 50 रुपये का कैश बोनस आ जाएगा। दोस्तों आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, आपके लिए खास बात बता दूं, आपके पास 50 रुपये कैश बोनस आएगा और आप यहां पर 100% कैश बोनस में, जी हाँ दोस्तों 1000 प्राइज पूल का आप यहां पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा लो एंट्री, इससे कम एंट्री फीस आपके लिए कहीं नहीं मिलने वाली, जी हाँ दोस्तों इससे कम एंट्री फीस आपके लिए कहीं नहीं मिलने वाली, लोएस्ट एंट्री फीस आप 5197 रुपये की, ड्रीम इलेवन में 5750 रुपये की है, जी हाँ दोस्तों 5750 मतलब 550 के आपके लिए ज्वाइन करने से पहले ही फायदा मिल जाता है, तो आप एक बार जरूर इसको ट्राई कर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 कोड डालना है, बस कोड डालना मत भूलिएगा दोस्तों, और आपके लिए क्रेडिट इशू फेस नहीं करना पड़ेगा, 1 से 2 मिनट में बैंक विड्रॉ मिल जाएगा, उसके अलावा लो कंपटीशन है और दोस्तों लो एंट्री फीस, तो आप एक बार जरूर इसे ट्राई कर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डाउनलोड कर आपके लिए Raj123 कोड जरूर डालना है, कोड डालना भूले आप दोस्तों तो आप हमारे ड्रीम क्रिक ग्रुप फैमिली के, जी हाँ दोस्तों DCG फैमिली के सदस्य नहीं बन पाओगे, और आपके लिए जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हम देते हैं वो आप उनका लाभ नहीं उठा पाओगे। और दोस्तों इसकी टीम का आपके लिए फाइनल प्रीव्यू मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर अब हम ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, बल्लेबाजी आपके पास और यहाँ पर ऑप्शन है, ए ब्राउन आपके पास ऑप्शन है, यदि आप ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके लिए
लुइस आप ऑप्शन हो जाते हैं, आप लुइस को चाहो तो अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं फिलहाल की स्थिति में इन तीनों के साथ जाऊंगा। आप यदि ग्रैंड लीग की 3 से 4 या 10 से 12 टीम तैयार कर रहे हो तो आप जरूर इन्हें ट्राई कर सकते हो। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर लाबिया को, स्टोप को, स्टीफन को और विलियम्स को मैं अपनी टीम में ट्राई करूंगा। और दोस्तों मैं सभी के बारे में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ, इसलिए आप यदि वीडियो पीछे स्किप कर आए हो तो जरूर देख लेना। उसके अलावा स्पेंसर और मैथ्यूज 2 ऑप्शन हो जाते हैं, वो दोस्तों आप के लिए बेंच पर बैठे हुए नजर आ जाएंगे। यदि कोई खेलेगा तो आपके लिए टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन के बारे में। बॉलिंग सेक्शन में जे रॉर्डन, उसके अलावा दोस्तों इसके अलावा मैं लुइस को ट्राई करूंगा और अब मैं क्रेडिट इशू फेस कर रहा हूं, इस वजह से मैं दोस्तों स्ट्रॉ को या यहां पर हैरी को अपनी टीम में ट्राई नहीं कर पा रही। यदि मैं क्रेडिट मैनेज करता तो मैं इनमें से ज़रूर किसी को अपनी टीम में ट्राई करता। यदि आप क्रेडिट इशू फेस नहीं करना चाहते तो आप माई फेवलेवन ट्राई कर सकते हो। तो आपके पास 8 में दोस्तों 2 ऑप्शन बचे हैं, एक वैली और एक दोस्तों यहाँ पर वेवी। तो आप इनमें से किसी को ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, वो डिपेंड आप पर करता है आप किसे ट्राई करना चाहते हो। मैं यहाँ पर वाइली को अपनी टीम में ट्राई करना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। आपके पास यहाँ पर टॉप 3 ऑप्शन मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। एक दोस्तों यहाँ पर डगलस आता है, उसके बाद दोस्तों आपके लिए ब्राउन आता है और दोस्तों एक और यहाँ पर ऑप्शन लाबिया। अभी ये 3 ऑप्शन मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आफ्टर टॉस मैं आपके लिए फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो टेलीग्राम जुड़ जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।